वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा चल रहा था केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक हमने दे दिया है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकेंड है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे 27 से आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन है जो आपने 11th और 12th में जो थ्योरी पढ़ी थी उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए। ठीक है, और कितना आप सीख चुके हो, कितना आपको आता है, कितनी नॉलेज आप गेन कर चुके हो, ये सब इन क्वेश्चंस जिनको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो वो उसी से, यानी कि ऑब्जेक्टिव टॉप क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, ये उन्हीं से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपको कितना आता है। ठीक है, सो ईमानदार से पहले आप आंसर बताना इसका, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, बस पहला क्वेश्चन है कि द सॉर्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना उसके लवण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि सल्फाइट कहते हैं, सल्फेट कहते हैं, थायोसल्फेट कहते हैं या फिर सल्फाइट कहते हैं। ईमानदार से बताना गाइज, क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को कहते हैं। सो आपने चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन, लेट मी चेक इसका राइट ऑप्शन होगा आपका। देखो गाइज, जब भी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज सेलेक्ट कर लो ताकि आपके अंदर की कमियां आपको नजर आ जाए, आप कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को कहते हैं गाइज, कौन से कहते हैं, सल्फेट। ठीक है, सल्फेट कहते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, और जब तक आपके लाइक मिलते रहेंगे तो और क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमने अमाउंट बढ़ा दिए क्वेश्चंस की, पहले 15 क्वेश्चन करवाते, अब आपको 25 तक स्कोर कराएंगे। ठीक है, संश्लेषित अपरमार्जकों में मुख्यतः रहता है सिंथेटिक डिटर्जेंट मेनली कंटेंट। संश्लेषित अपरमार्जक में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है गाइस, ये जो संश्लेषित अपरमार्जक होता है उनमें, संश्लेषित अपरमार्जक में मुख्यतः क्या रहता है गाइस, आपने पढ़ा होगा ना तो इजीली आ जाएगा। सो गाइस, वो रहता है आपका, पहले आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, RO2NA। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपधातु है द मेटालॉइड अमंग द फ्लोविंग, कौन सी है उपधातु गाइज, आर्सेनिक, सोडियम, स्वर्ण, लोहा। गाइज एक होती है धातु और एक होती है उपधातु, नहीं एक होती है धातु, एक होती है अधातु और एक होती है उपधातु। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है, धातु आप सब जानते हो, अधातु भी जानते हो, उपधातु आपको बतानी है जिसमें दोनों के गुण होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्सेनिक, ये एक उपधातु है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। किस प्रकार के यौगिकों का उच्च गलनांक और खपतनांक होता है, किस प्रकार के, विच टाइप ऑफ कंपाउंड सो हाई मल्टीपल एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है यहाँ पर, वैद्युत संयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के यौगिकों का उच्च गलनांक और खपतनांक होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉन ऑफ दिस। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन और टोलिन का मिश्रण बनाता है, बताइए द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन मेक, बेंजीन और टोलिन का मिश्रण बनाता है एक आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन या फिर निलंबन या फिर पाइसन, क्या बनाता है बेंजीन और टोलिन का मिश्रण। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सॉल्यूशन करवाया करो, अब ये तो 12th में आपने पढ़ा होगा ना, इसमें ये तो याद रखने वाली बात है कि बेंजीन और टोलिन का मिश्रण क्या बनाता है, इसमें कौन से, अगर आपने पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन आएगा आपको, नहीं इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात है। ठीक है, थ्योरी तो देखो आपको पढ़नी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और उतनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज कर पाओगे। हाँ, न्यूमेरिकल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है,
और उसमें समझने वाली बात होती है, बट ये थ्योरी तो आपको खुद को पढ़नी होगी, आप इनको घर पर बैठ कर पढ़ सकते हो, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बेंजीन और टोलिन का मिश्रण बनाता है, सो गाइज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक आदर्श विलेन, ठीक है, एक आदर्श विलेन। अगला क्वेश्चन, जलीय विलेन में से कार्बनिक पदार्थों को पृथक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जलीय विलयन में से कार्बनिक पदार्थों को पृथक किया जाता है आश्वन द्वारा, विलायक निष्कर्षण द्वारा, वाप आश्वन द्वारा, उद्रपातन द्वारा। जलीय विलयन में से कार्बनिक पदार्थों को पृथक किया जाता है कौन सी मेथड, यानी कि कौन सी विधि के द्वारा पृथक किया जाता है जलीय विलयन में से कार्बनिक पदार्थों को, बताओ गाइस। पृथक करना आपने पढ़ा होगा ना बचपन से, पढ़ते आ रहे हो पृथक्करण, तो सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विलायक निष्कर्षण द्वारा, ठीक है, विलायक निष्कर्षण यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर बताना है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है, व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस एच, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू ई प्लस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं डायरेक्टली, 11th और 12th से ही क्वेश्चन बनते हैं। इंट्रेंस एग्जाम आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दो आप साइंस का 12th के बाद, क्वेश्चन यही होता है आपका, नीट हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, एग्रीकल्चर हो, क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही बनते हैं अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देते हो तो। और इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है राम बनाना है, ठीक है। सो गाइज आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एच, ठीक है, करेक्ट आंसर आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन सेकंड, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर, माइनस प्लस का आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई है, इकाइयां तो हमने आपसे बोल ही रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट है, सबको एक पेज पे लिख लो ताकि एग्जाम के टाइम पे सारी को आप देख के चले जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ वर्क, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई आपको बतानी है, ठीक है, वर्क की। सिंपल भी अगर आपने देखा होगा कहीं पर, आपने सवाल भी किए होंगे तो अवश्य लिखा होगा यूनिट आपने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटन मीटर दोनों, ठीक है, ये इसके ऑप्शन 4। चलते आगे को, प्रदंडन में किस धातु का शोधन करते हैं, विच मेटल इज प्यूरिफाई बाय बॉइलिंग, ठीक है, जिंक पेरस कॉपर अर्जेंटियम सब क्या यहाँ पर दिया हुआ है, किस धातु का शोधन करते हैं। देखो धातु का शोधन ऐसे का आपको याद रखना है, आपका जो चैप्टर है ना रसायन विज्ञान में धातुओं का शोधन, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कौन सी विधि के द्वारा किसका शोधन किया जाता है, क्योंकि विधियों के भी नाम है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच मेटल इज प्यूरिफाई बाय फुलिंग, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते आगे को, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रक्रिया स्थिर ताप और दाब पर कराई जाए तो, ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन क्या होगा डेल्टा एच का मान, आपको यहाँ पर सही बताना है गाइस, क्या होगा डेल्टा एच, डेल्टा ई होगा, टी डेल्टा एस होगा, जीरो होगा, डेल्टा एस जीरो होगा, बताइए क्या होगा यदि प्रक्रिया स्थिर ताप और दाब पर कराई जाए तो, ईमानदार से बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब तक तो आपने कवर कर लिया होगी 11th 12th सब पढ़ चुके हो, एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो नॉलेज काफ़ी हो गया होगी आपको इसके बारे में, तभी तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप खुद का टेस्ट भी यहाँ से कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, कितने क्वेश्चन गलत जाते हैं। सोच लिया होगा आपने वन क्वेश्चन, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह किए? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफिल्स। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर इसको पूरा समझाया करो, एक्सप्लेन किया करो। अगर गाइज इसको समझाए तो देखो वीडियो आधा एक घंटे तक भी जा सकता है। अगर आप तैयार हो आधा एक घंटे तक का वीडियो देखने के लिए तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है काफ़ी सारा, तो समझा देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। बट वीडियो फिर आप मत कहना कि 45 मिनट का हो गया है, 60 मिनट का हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतना ही लंबा जाएगा अगर इसको समझाएंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ले रहे हैं ना अपन, इसलिए तो कमेंट कर देना, बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम एक्सप्लेन के साथ समझना चाहते हैं या फिर ऐसे ही सही है या फिर जैसे हम समझ रहे हैं अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, या फिर ऐसे होना चाहिए, आप बता सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही की है? चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज करो। अभी भी और भी क्वेश्चन हमको करने हैं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AlCl3SO3N+O2, ठीक है, AlCl3, ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर इस तरह की इकाई है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर इस तरह की इकाई आपको बतानी है, मोल सेकंड, लीटर सेकंड, यूनिट्स, या फिर लीटर मोल सेकंड, मोल लीटर सेकंड। बहुत अच्छा, एक यूनिट तो पूछी जाती है हमेशा की तरह, तो हमने बोल ही रखा है आपसे कि यूनिट तो आप लिख ही लो। केमिस्ट्री के फॉर्मूले पे, जिसके फॉर्मूले आप चाहे तो एक नोटबुक में नोट कर सकते हो, एग्ज़ाम टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चूज कर लो पहले आप ईमानदारी से, जो भी आपको याद है कर लिया होगा आपने चूज। लाइट में चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोल लीटर सेकेंड यूनिट, ठीक है, मोल लीटर। ऑप्शन फोर, चलते आगे। एक और, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन देगा? अमंग द फ्लोइंग विच अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि CCl3CHO CH3CHO, या फिर CH3CH2CHO, या फिर आपका HCHO। निम्न में से कौन एल्डोल संघनन देगा, यानी कि कौन कौन नहीं देगा, ये आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे इसको, और आपके रसायन विज्ञान में भी है ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट कि कौन कौन नहीं देता है, तो वो पढ़ा होगा तो इजीली आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ सीख लेना, अभी तीन क्वेश्चन रिजेक्ट करेंगे वो इसके नहीं देने वाले होंगे, ठीक है, बट आपको यहाँ पर कौन एक है जो देगा। सो गाइस वो देगा आपका CH3CH2, ये वाला देगा ऑप्शन थर्ड वाला, और बाकी के नहीं देंगे, यानी कि ये नहीं देते, ठीक है, ये नहीं देते, लिख सकते हो आपकी ये नहीं देते और ये देते, क्लियर। चलते आगे को, Br2 का Br3 में बदलने पर Br की ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी, शून्य से +5, +1 से +5, शून्य से -3, या फिर +2 से +5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, Br2 का Br3 में बदलने पर Br की ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन आता है गाइज, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है किसी की ऑक्सीकरण अवस्था, उपशोषक संख्या भी पूछी जा सकती है। इसका राइट ऑप्शन है शून्य से +5, ऑप्शन फर्स्ट। जिन जिन का सही था बहुत बहुत धन्यवाद। सम विखंडन कराने पर CH3CH2 Cl देता है, सम विघटन कराने पर कौन देता है, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाए, CH3CH+, या फिर CH3C-H2 Cl, CH3CH2+Cl-, या फिर CH CH2 Cl। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका CH3CH2 Cl, ठीक है, CH3CH2 Cl। रसायन विज्ञान बहुत अच्छी है गाइस, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर पढ़ते हो तो सब आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा अवस्था फलन है, ΔG ΔE W ΔH,
और हमने तो बोल भी रखा है आपसे कि अगर ये भी क्वेश्चन कम लग रहे हो तो एक और चैनल है, जीके एमसीक्यू एमके चैनल, हिंदी मीडियम, ठीक है, लिंक नीचे दे रखा है इसका भी। यहाँ से भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के डेली क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो नॉन स्टॉप। निम्नलिखित में कौन सा अवस्था फलन है आपने नहीं है, कौन सा अवस्था फलन नहीं है ये चूज कर लिया होगा और हम इसको अब चेक करने जा रहे हैं। सोच लो पहले जो भी आपको सोचना है ऑप्शन चारों में से, क्योंकि आपको ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो, आप कितने गहरे पानी में हो ये भी आप जान लो तो बेटर रहेगा एंट्रेंस एग्जाम से पहले पहले। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा, इसका डब्ल्यू, ठीक है, ये अवस्था फलन नहीं है। बाकी ये डेल्टा जी, डेल्टा ई और डेल्टा, ये डेल्टा वाले सारे क्या है, अवस्था फलन है जबकि ये नहीं है। चलो किसी भी टॉपिक पर कुछ भी एमसीक्यू चाहिए तो बता दे अगर कमेंट करके, आप अपना चैनल है, ठीक है। एल्कोहल प्लस बेंजीन प्लस पेट्रोल के मिश्रण को कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बेंजीन एंड पेट्रोल, विकृतिकृत एल्कोहल, सक्ते एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, टॉस एल्कोहल। सो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सक्ते एल्कोहल, ठीक है, सक्ते एल्कोहल। वह सक्रिय प्रजाति जो बेंजीन के क्लोरीकरण के लिए उत्तरदायक है, वह सक्रिय प्रजाति जो बेंजीन के क्लोरीकरण के लिए उत्तरदायक है, सीएल प्लस, सीएल माइनस, सीएल टू, सीएल टू माइनस। वह सक्रिय प्रजाति जो बेंजीन के क्लोरीकरण के उत्तरदायक है, चूज करो पहले, आप कर लिया होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एक सेकेंड में कर लेते होंगे चूज तो आप, बट चेक कर लेते, सीएल प्लस, ठीक है। द्रव्यमान की ऐसा इकाई है, ऐसा यूनिट हो मास, किलोमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम। द्रव्यमान की ऐसा इकाई है किलोमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किलोग्राम। द्रव्यमान के तो सबको आता होगा किलोग्राम, फिर बाहर के पूछ रहे तो क्या लिखोगे, यहाँ तो द्रव्यमान की पूछ ली, बार को किसमें मेजर करते हैं, वेट को, क्योंकि मास में और वेट में अंतर है, याद रखना, वेट बार जो है चेंज होता रहता है, द्रव्यमान एक ही रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण दहन होने पर इत्र देता है, कंप्लीट कंबुशन इत्र गिव, इत्र क्या देता है पूर्ण दहन होने पर, C2H5OH, CO2 एंड H2O, या फिर C2H5 या फिर C2H4। पूर्ण दहन होने पर इत्र क्या देता है, इत्र सेंट जो होते हैं क्या देता है, और जलता है इत्र आपको पता है क्योंकि उसमें एल्कोहल आता है, ठीक है, तो पूर्ण दहन होने पर ये देता है गाइज आपका CO2 और H2O, ठीक है, ये देगा। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर फिजिक्स के नोट्स और केमिस्ट्री के नोट्स हम आपको दे पाए, ठीक है, जैसे हमको टाइम मिलता है हम वहाँ पर पोस्ट कर देंगे लिंक। 13.5 ग्राम में SO2 Cl2 के मोलों की संख्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 13.5 ग्राम में SO2 और Cl2 की मोलों की संख्या बताओ, निकालने आती होगी तो आप अपने पेज पे निकाल के इजीली बता सकते हो। सोच लिया होगा, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.1, इतनी होगी, कितनी होगी, 0.1 होगी। अगला क्वेश्चन है, मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का एक मोल गुला रहता है, 1000 ग्राम विलायक में, 1 लीटर विलयन में, 1 विलायक में, या फिर 22.4 लीटर विलयन में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और साधारण दाब H2O अभिक्रिया के लिए होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और साधारण दाब पर H2O अभिक्रिया के लिए होगा। सो गाइस जो होगा आपका डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा H, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा O3 का यानी अक्षरित नहीं होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी ऑक्सीजाइज बाई O3, निम्न में से कौन सा O3 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, Ki, FeSO4, KMnO4, K2MnO4। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले चूज कर लो ईमानदारी से, कर लिया, लेट मी चेक, KMnO4, ठीक है,
के एम एन ओ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कितने सही गए कितने गलत गए आप कमेंट करके बता सकते हो, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बहुत अच्छे वीडियो का।